प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्मार्ट और हरित राजमार्ग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, पिछले चार सालों में सरकार देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, साथ ही कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कड़े दिशा निर्देश। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को फिट और स्वस्थ रहने के महत्व को किया रेखांकित। फिट इंडिया चैलेंज पर मिल रहे भारी जनसमर्थन पर जताई खुशी। कैराना उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। कल होने वाले मतदान में 16,09,428 मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। नमस्कार, मैं हूं तरुण राज। अब समाचार विस्तार से। सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बागपत में देश को सबसे बड़े हाईटेक एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ की लागत से बने 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और परवल को जोड़ता है। ये देश का पहला स्मार्ट और सोलर एनर्जी से लैस एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा प्रत्येक 500 मीटर पर दोनों तरफ वर्षा के जल संचयन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें 36 राष्ट्रीय स्मारकों को भी प्रदर्शित किया गया है और 40 खूबसूरत झरने भी बनाए गए हैं। इसे रिकॉर्ड 500 दिनों में पूरा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर 8 सौर संयंत्र हैं जिनकी बिजली उत्पादन की क्षमता 4 मेगावाट है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली में 41% तक ट्रैफिक जाम और 27% तक प्रदूषण कम होने का दावा किया गया है। इससे राजधानी दिल्ली को वाहनों के बड़े बोझ से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लिए आधारशिला 5 नवंबर 2015 को रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे की खासियतों का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि कम समय में यात्रा भी पूरी की जा सकेगी। ये दोनों जो बड़े प्रोजेक्ट आज आप सभी की सेवा के लिए तैयार हैं, ये पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। बिजली की जरूरत भी यहां सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी, यानी समय की भी बचत, प्रदूषण भी कम, ईंधन भी कम और पश्चिम यूपी से दिल्ली दूध, सब्जी और अनाज पहुंचाना भी अब आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब तक सिर्फ राजनीति करती आई हैं, लेकिन उनकी सरकार में ऐसा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दलितों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थान पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथियों, मैं आपको अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिनके मन में स्वार्थ है वे सिर्फ गड़ियाली आंसू बहाने वाली राजनीति करते आए। दलित और पिछड़े भाई बहनों के लिए अवसरों के साथ साथ उनकी सुरक्षा और न्याय के लिए भी बीते 4 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार के कानून को हमने और कड़ा किया है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ाकर के 47 तक हमने उसका विस्तार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ओबीसी जातियों के हितों को लेकर भी पूरी तरीके से सजग है और उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ इस मामले को लेकर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सरकार चाहती है कि ओबीसी समुदाय में जो अति पिछड़े हैं उन्हें
सरकार और शिक्षण संस्थाओं में तय सीमा में रहते हुए आरक्षण का और अधिक फायदा प्राप्त हो। और इसलिए ओबीसी समुदाय में सब कैटेगरी बनाने के लिए हमने कमीशन का भी निर्माण किया। साथियों, सरकार तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक देना चाहती थी और ओबीसी समाज की ये मांग पिछले 20-25 साल से चल रही थी, लेकिन यूपीए में बैठी हुई सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। हमने उसके लिए कानून लाया, पार्लियामेंट में ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार मिले इसके लिए एक अहम कानून लाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक गवारा नहीं था, उनके सहयोगी दलों का गवारा नहीं था, और इसलिए वो रोड़ा बन करके खड़े हो गए और उस कानून को अभी तक लटकाए बैठे हैं। लेकिन मैं ओबीसी समाज को विश्वास दिलाता हूं, जो कदम उठाया है उसे मोदी पूरा करके रहने वाला। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। 14 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ को जोड़ेगा। इसके शुरू होने से अब मेरठ से दिल्ली के बीच का सफर सिर्फ 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुली जीप से रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का यह रोड शो दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होकर गाजीपुर तक चला। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। देश को एक नई दिशा देने, भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के पहुंचाने का जो कार्य पिछले 4 वर्षों के दौरान हुआ, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास के क्षेत्र में 8,85,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध कराने में सफल होता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक वर्ष में 57,00,000 से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाने, 40,00,000 से अधिक गरीबों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने और शासन की उन योजनाओं में, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से विकास की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं में ब्रज क्षेत्र के सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आज बैठक में प्रदेश के विकास पर चर्चा की है गए हैं और उन्हें हराने के लिए फतवे जारी हो रहे हैं। 12 रुपए साल के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया, 330 रुपए के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा दिया और 4500 रुपए यानी कि 4500 रुपए कनेक्शन का खर्चा आता है। गरीब लोगों को हम मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं और जो जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनको केवल 50 रुपए की 10 आसान किस्तों पर हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं। एक ये कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी के तहत सरकार की छवि को खराब करो और इसमें कॉन्स्पिरेसी में वही सब लोग हैं जो रहते यहाँ हैं, दल जो यहाँ रहते हैं लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए धड़कती रहती है। तो पाकिस्तान से धमकी आना हमारे विधायकों को और पूरे देश में इस तरह के वातावरण बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम मुस्तैद हैं और कोई सिरफिरा इस तरह की हरकत करता है तो उसका भी हमारे पास जवाब है और ऐसे लोगों की तह तक हम जाएंगे। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कन्नौज जिले के जिनौठी गांव पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि जब तक भारत में मोदी हैं पाकिस्तान का कोई भी देश दोस्त नहीं बन सकता, चाहे अमेरिका हो या चीन हो। डिप्टी सीएम ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि देश को बचाने को नरेंद्र मोदी ने जनता को लाइन में लगाया जबकि विपक्ष ने रेल टिकट, राशन, खाद, गैस के लिए जनता को लाइन में खड़ा किया था। हम देश बनाने का काम कर रहे हैं, वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तब तक कोई भी देश हमारी सहायता को खड़ा नहीं होगा। अगर दूसरे देशों की सहायता हमको प्राप्त करनी होगी तो पहले नरेंद्र मोदी को हटना होगा। ये बयान मैंने नहीं, सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर वहां के प्रधानमंत्री का आया। मैं इसे महज संयोग नहीं मानता। कर्नाटका में शपथ ग्रहण के बाद, कुछ लोगों के गठजोड़ के बाद एक संयुक्त बयान आता है कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा, इन्हें सत्ता से हटाना होगा। क्या कारण है कि 4 दिन पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और 4 दिन के बाद यहां के वरिष्ठ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है? दोनों की बातों में समानता क्यों है? समाचार अभी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। पांच साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। देश का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई लोगों की जीवन कथाओं का हवाला दिया जिन्होंने समाज के लिए अनुकरणीय साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया है और देश को गौरवान्वित किया है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों की जीवन कथाओं का हवाला दिया जिन्होंने समाज के लिए अनुकरणीय साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया है और देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के महिला चालक दल की सराहना की जिन्होंने सफलतापूर्वक INSV तारिणी पर अपने साहस का पूरी दुनिया में परचम लहराया। भारत की 6 बेटियों ने, उनकी इस टीम ने 254 डेज, 250 से भी ज्यादा दिन समुद्र के माध्यम से INSV तारिणी में पूरी दुनिया की सैर कर 21 मई को भारत वापस लौटी। उन्होंने विभिन्न महासागरों और कई समुद्रों में यात्रा करते हुए लगभग 22,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय की। यह विश्व में अपने आप में एक पहली घटना थी। मैं एक बार फिर इन बेटियों को, उनके एडवेंचर को, नेवी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और विशेषकर दुनिया को भी लगे कि भारत की बेटियां कम नहीं है, ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने देश के उन लोगों की भी प्रशंसा की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर देश का गौरव बढ़ाया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर की झोपड़ियों में रहने वाली कुछ गरीब लड़कियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये लड़कियां जो कूड़ा उठाने का काम करती थीं, उन्होंने सिलाई सीखी और अब आत्मनिर्भर बन गई हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं टीवी पर एक कहानी देख रहा था, राजस्थान के सीकर की कच्ची बस्तियों की, हमारी गरीब बेटियों की। हमारी ये बेटियां जो कभी कचरा बिनने से लेकर घर घर मांगने को मजबूर थी, आज वे सिलाई का काम सीखकर गरीबों का तन ढकने के लिए कपड़े सिल रही हैं। हमारी ये बेटियां आज आत्मनिर्भर बनी हैं, सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं और अपने अपने परिवार के लिए एक ताकत बन गई है। मैं आशा और विश्वास से भरी हमारी इन बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा खेलों को बढ़ावा देने की अपील की है। आज अपने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की बात दोहराई बल्कि लोगों से अपील की है कि वे परंपरागत खेलों से जुड़े रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से फिट इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर सफलता की कुंजी है। फिट इंडिया अभियान को सोशल मीडिया पर बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म जगत हो या खेल जगत, स्कूल टीचर्स हो या किसान, सभी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी दो महीने पहले जब मैंने फिट इंडिया की बात की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इतनी भारी संख्या में हर क्षेत्र से लोग इसके सपोर्ट में आगे आएंगे। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूँ तो मैं मानता हूं कि जितना हम खेलेंगे उतना ही देश खेलेगा। सोशल मीडिया पर लोग फिटनेस चैलेंज के वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को टैग कर उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। फिट इंडिया के इस अभियान से आज हर कोई जुड़ रहा है, चाहे फिल्म से जुड़े लोग हों, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हों या देश के आम जन, सेना के जवान हो, स्कूल के टीचर हो, चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हम फिट तो इंडिया फिट। मन की बात कार्यक्रम में जीवन में खेलों की महत्ता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल न केवल हमें स्वस्थ रखते हैं बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जब हम खेलते हैं हमें जो यूनिक क्वालिटीज होती है हम उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे जो शर्मिले स्वभाव के होते हैं लेकिन खेलते समय बहुत ही चंचल हो जाते हैं, और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं, वो जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। लक्ष्य तय करना, दृढ़ता कैसे हासिल करना, टीम स्पिरिट कैसे पैदा होना, परस्पर सहयोग कैसे करना। इस मौके पर पीएम ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि वे बचपन में चोमल इस्तों और गिल्ली डंडा जैसे खेल खेला करते थे लेकिन आज ये परंपरागत खेल खत्म होते जा रहे हैं। पीएम ने स्कूलों, स्थानीय निकायों और आमजनों से अपील की कि इन परंपरागत खेलों को भी आगे बढ़ाया जाए। जो खेल कभी गली गली हर बच्चे के जीवन का हिस्सा होते थे वे आज कम होते जा रहे हैं। परंपरागत खेलों में दोनों तरह के खेल हैं, आउटडोर भी हैं, इंडोर भी हैं। हमारे देश की विविधता के पीछे छिपी एकता इन खेलों में भी देखी जा सकती है। एक ही खेल अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक क्षमता के साथ साथ वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एकाग्रता, सजगता, स्फूर्ति को भी बढ़ावा देते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील कारगर सिद्ध होती नजर आ रही है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी न केवल पदक जीत रहे हैं बल्कि आम जन भी खेलों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को आज इलाहाबाद जिले के साधु संतों ने सुनी और उनकी घोर प्रशंसा की। महंत राम रतन दास जी महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात को हम और हमारे शिष्य हर महीने सुनते हैं। मन की बात में पीएम मोदी स्वास्थ्य, मन, सुख, शांति की दृष्टि से हर एक पहलू पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि परिश्रम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो किसी भी रूप में हो,
खेल योग या क्रिया के रूप में। हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हमें इसे संजोना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारी संस्कृति जो है उससे हमें सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और लुप्त ना होने पाए नाना प्रकार के कैसे कैसे खेल जो है अन्य प्रांतों में, किस प्रांत में कैसे कैसे खेल होते हैं, क्या क्या नाम है उनके, कैसे कैसे ढंग है, उन सबको उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मन की बात ऐसे ही बताते रहें, हम लोग सुनते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मन की बात में महिला सशक्तिकरण, विराट कोहली द्वारा फिटनेस के प्रति दी गई चुनौती स्वीकार करने की बात, पर्यावरण, योग, खेलकूद, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की। पर्यावरण पर उन्होंने जनता से पॉलीथिन प्रयोग न करने और पर्यावरण को बनाए रखने और अगले महीने आने वाले योग दिवस पर योग करने और स्वस्थ रहने की देशवासियों से अपील की। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कही गई बात को अमल में लाने के लिए सबको अपने घर के सामने पौधा लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को दूरदराज के ग्रामीण अंचलों में भी पूरे जोश और उत्साह के साथ सुना जा रहा है। सोनभद्र जिले के विभिन्न अंचलों में लोगों ने मन की बात सुनी और उसे अपने जीवन में अमल करने का भी वादा किया। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं तो लगता है जैसे अपने परिवार का मुखिया एक साथ बैठकर अपना दुख सुख बांट रहा हो। स्वस्थ रहने के मंत्रों पर सारगर्भित चर्चा को लोगों ने आत्मसात करते हुए कहा कि यदि हम स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर योग की ओर नहीं बढ़े तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्रोताओं ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए योग पर विशेष बल देकर प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को स्वतः रोग मुक्त कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देशवासियों को खुश रहने का संदेश देते हुए कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो। उन्होंने सभी लोगों से खुद के लिए समय निकालने की अपील की है। जीना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारी जिम्मेदारियां हैं, जॉब्स हैं, इससे स्ट्रेस पैदा होता है, लेकिन जीवन को जीना बहुत जरूरी है। और जीवन के जीने के अंदर थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए, हंसने के लिए, कभी लिफ्ट से ना सीढ़ियों से चढ़ने के लिए, और कभी साइकिलिंग करने के लिए, कभी वॉक दो जॉगिंग करने के लिए, कहीं ना कहीं फिटनेस को अपने जीवन में जरूर जोड़िए। उससे हर व्यक्ति और स्वस्थ बनेगा, खुश बनेगा, और एक एक वेलबींग आएगा जीने के लिए। एक जो भी आप काम करेंगे वो और बेहतर तरीके से करेंगे। हम तो यहाँ तक बोलते हैं जो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं कि उसमें भी थोड़ा बहुत खेलिए, ताकि एक तरह से वापस से और बढ़िया फोकस हो। अब जिस तरह का ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, पूरे भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह स्वीकार करा है, बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर होकर हर व्यक्ति इसके अंदर जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कैराना और नूरपुर उपचुनाव में कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। मतदान केंद्रों पर लगे कर्मचारियों को एक दिन पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे। कैराना उपचुनाव पर 28 मई को 16,09,428 मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, लेकिन मैदान में एक तरफ तो सत्ता पार्टी के प्रत्याशी मृगांका सिंह हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन के प्रत्याशी तबस्सुम हसन मैदान में हैं। दोनों में कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों ही पार्टियां उपचुनाव को लेकर अपनी नाक का सवाल बनाकर कैराना उपचुनाव को जीतना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को लोगों से महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का आह्वान किया था। एक कदम स्वच्छता की ओर पर आज करोड़ों कदम स्वच्छता की ओर चल पड़े हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के जनपद लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के तराई के जंगलों के किनारे बसे इलाके विगत वर्षों से छेड़े इस अभियान में आदिवासी 39 गांवों में से 6 गांव खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं और अन्य गांवों में स्वच्छ भारत मिशन का काम तेजी से चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र के धुसकिया बलेरा गांव के प्रधान राम सहाय ने बताया कि हम लोग जंगल के किनारे रहते हैं जिससे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था, शौचालय बनने से अब आराम हो गई है।
जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे कामों में प्राथमिकता की श्रेणी में सबसे ऊपर है। यहां 39 आदिवासी गांवों में 6 ओडीएफ किए जा चुके हैं, बाकी के गांवों में काम चल रहा है। जल्द ही इनको भी खुले में शौच मुक्त किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और जगह जगह फल वितरण भी किया गया। पार्टी प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए युवा पीढ़ी से उनके सिद्धांतों पर चलने का आग्रह किया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्मार्ट और हरित राजमार्ग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, पिछले 4 सालों में सरकार देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, साथ ही कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कड़े दिशा निर्देश। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को फिट और स्वस्थ रहने के महत्व को किया रेखांकित। फिट इंडिया चैलेंज पर मिल रहे भारी जन समर्थन पर जताई खुशी। कैराना उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। कल होने वाले मतदान में 16,09,428 मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।